आज कौन सी फिल्म की मुहूर्त हुई है, किस बैनर तले बन रहा है और आज क्या कुछ हो रहा है? जी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दो बैनर हैं इसमें, एक रंजना फिल्म्स एंड टेलीविज़न और YRS फिल्म्स जो मेरा बैनर है। और आज इसकी जो है इसका एक गाना रिकॉर्ड किया गया, फिल्म का नाम है बाबूजी के चाहे दुल्हनिया और टाइटल सॉन्ग है, और जिसको कि बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छे बहुत प्यारे सिंगर गायक मोहन राठौड़ जी ने गाया है इसको, और ये गीत मैंने लिखा है। और मोहन जी ने इसको अपनी आवाज़ देकर जो है मतलब समझ लीजिए गाने को सुपरहिट कर दिया है। अभी से ही लगता है कि गाना स्टूडियो में जिन्होंने सुना सब बोलते हैं गाना सुपरहिट होगा। और ये मेरे बैनर से चौथी फिल्म है, इससे पहले मेरी फिल्म आई थी डाकू राम किशन, उसके बाद न जाने कब प्यार हो गए, तीसरी ओ हरे दुपट्टे वाली जिसमें मैंने ये सनी कुमार सन्या को लॉन्च किया था, और आज ये मेरे बैनर की चौथी फिल्म का गाना रिकॉर्ड हुआ है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उस गाने को भी जो है मोहन जी ने गाया है, और आगे भी मैं चाहता हूँ कि मैं मोहन जी के साथ कई गाने जो है रिकॉर्ड करूँ और काम करूँ आगे। फिल्म से संबंधित थोड़ी सी और जानकारी चाहिए कि फिल्म का आज मुहूर्त हुआ है, संगीत मोहन जी ने दिया है, फिल्म में एक्टर एक्ट्रेस कौन कौन होंगे, उस बारे में थोड़ी सी अगर खुलासा आप कर सके तो। देखिए, इसमें संगीत तो सावन कुमार जी का है और मोहन जी जो है हमारे गाना गाए हैं, सिंगर हैं, और इनको कौन नहीं जानता। खैर, एक्टर कौन नहीं, फिल्म में एक्टर किसे ले रहे हैं, एक्टर कौन? इसमें जो मेन हीरो हैं वो है अपना लाडो मदेसिया जी और विनोद मिश्रा जी हैं, और सीपी भट्ट हैं कॉमेडी में, और संतोष श्रीवास्तव जी हैं, और अभय झा हैं। बाकी अभी थोड़ी कुछ कास्टिंग रह गई है, वो एक दो दिन में पूरी हो जाएगी तो आपको मैं बता दूंगा। अच्छा, फिल्म से संबंधित मतलब फिल्म कहानी किस प्रकार की होगी, थोड़ा सा उस बारे में भी जानना चाहेंगे, कुछ ब्रीफ दे सके? जी जी, कहानी सर एक समझ लीजिए एक तरह से फैमिली ड्रामा भी है, फैमिली के ऊपर है। क्या होता है कि जैसे जो फादर हैं हीरो के, जो जब हीरो छोटा होता तो उनकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है, यानी कि हीरो की माँ, तो लोग कहते हैं शादी करने को, तो शादी नहीं करते हैं, वो अपने बच्चे के लिए अपनी जवानी सब कुछ कुर्बान करते हैं, कहते हैं जो भी है मेरा बेटा है। और बाकी आगे क्या होगा वो फिल्म में आप देखिएगा, मैं सारी कहानी नहीं बता सकता हूँ। बहुत ही प्यारी बहुत खूबसूरत पारिवारिक फिल्म है ये। मोहन जी आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बता रहे हैं बहुत अच्छा गाना है, तो दो लाइन उसका सुनना चाहेंगे, या अगर गा सके दो लाइन ठीक है, नहीं तो आपके मनपसंद आपको जो गाना, इस वक्त सावन चल रहा है, आज सावन का पहला सोमवार है, आप गा सके, पहले हम संगीत से शुरू करेंगे। जी जी, सबसे पहले मैं मोहन राठौर, सभी जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम है, और सावन का आज पहला सोमारी है, आज हम जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसके माध्यम से, और सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना सावन का। और मैं आज बड़ा खुशी हुआ हमें सर का गाना गाया मैंने, बहुत ही बढ़िया लग रहा बटे, और ये गाना एक पिताजी जिसे कि पिताजी के ऊपर है गाना, पिताजी को कहा जाता है शादी करने के लिए, वो करते नहीं हैं, लेकिन बाद में वो करना चाहते तैयार हो जाते हैं, फिर उसी के आधार पे स्टोरी है, बड़ा ही अच्छा। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और गाने तो हमारे बहुत सारे मार्केट में हैं, और ये गाना, फिल्म का नाम क्या था, बाबूजी के चाहे दुल्हनिया, बाबूजी के चाहे दुल्हनिया टाइटल सॉन्ग ही गाया है आज, बहुत यही टाइटल सॉन्ग मैं गाया हूँ, और हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाइएगा, और सारे टीम के आपको ढेर सारी शुभकामना आपको भी, आप और गाना रहा सवाल गाने का, तो मैं गाना आप लोगों को सुना देता हूँ। कि साड़ी गेरुआ के रंग में रंगाला, जल सुल्तान गंज से उठाला ये धानी, कि ये हो धानी झिरी झिरी बहेला पवनवा सवनवा रिम झिम बरसेला, कि ये हो धानी झिरी झिरी बहेला पवनवा सवनवा रिम झिम बरसेला। एक गाना और बहुत प्यारा है, अभी मेरे चैनल से भी बड़ा अच्छा अच्छा गाना आने वाला है, कई सारे कंपनियों से मैंने गाना गाया है, और अभी एक दीवाना महाकाल का,
और एक रबजी म्यूजिक से एक गाना बहुत ही अच्छा अभी जा रहा है, 1 Day 1 Lakh जा रहा है, बढ़िया है। और वो भी गाना है कि जा झार के इस टाइप से है, बोलबम जा झार के इस टाइप से कुछ करके है, और बड़ा ही फनी गाना है। और एक गाना और गाए थे हमने, अरे कि मथवा बहुत चकराता ये गौरा अब भटकता हमरो धियान भंगिया करा द नेवान ये गौरा तनी भंगिया करा द नेवान। चाहेंगे कि आज जो है फिल्म का मुहूर्त हुआ है और संगीतमय मुहूर्त हुआ है, क्या कुछ कारण था कि मोहन सर को आपने इस गाने के लिए चुना है? सर पहले तो सावन के पहले सोमवार के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज सोमवार है, सावन का पहला दिन है, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है सावन कुमार। बहुत बहुत अच्छा हाँ मुहूर्त हो गया। मुहूर्त में चार चांद क्यों आया गाने में, क्योंकि मोहन सर ने गाना गाया और मोहन सर बहुत अच्छे जानते हैं। ये सबसे अच्छी बात है मोहन सर में कि कोई वल्गर गाने नहीं गाते हैं, और हम लोग को क्यों पसंद है, इनकी आवाज़ में एक मिठास है, आप मिठास समझते हैं। जब आप गाना सुनोगे ना उनका, हम लोग बैठ के गाना सुन रहे, हम लोग झूम रहे थे, और वो रूह तक गाने जिनकी आवाज़ है ना वो लगती है। तो इसके लिए सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि आप इस गाने को गा के हमारी पिक्चर के लिए चार चांद लगाए आपने। अच्छा, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि कितने गाने होंगे इस फिल्म में? इस फिल्म में टोटल 7 गाने हैं। अगर उस पहले से आपने अगर सोचा होगा, नाम बता सकते हैं कि कौन कौन गाएंगे, ऐसा कुछ सोचा है पहले से? मोहन सर भी हैं और जो फिल्म के हीरो हैं उनसे भी 1-2 गाने हम सोच रहे हैं, और आलोक जी भी हैं। अच्छा, आलोक जी भी अभी चल रहा है, प्रोसेस में ये काम चल ही रहा है। जी जी जी। अच्छा, थोड़ी सी ये जानना चाहेंगे फिल्म की शूटिंग कब से शुरू होगी? फिल्म की शूटिंग हम लोग शुरू कर गोरखपुर में करेंगे हम लोग, और 1st week of October से करने वाले हैं। तो 3 डेट है सर, 7, 8, 9, तीनों में से कोई 1 डेट हम लोग शुरू करने वाले हैं, और मोस्टली जो लोकेशन गोरखपुर का ही, गोरखपुर हो गया, नौका बिहार हो गया, अयोध्या में हम लोग सोच रहे थोड़ा बहुत फ्रेम डालने के लिए, तो लेट्स सी क्या होता है। कहानी को लेकर कुछ खुलासा करना चाहेंगे किस तरह की? कहानी को लेकर सर मैं 1 liner ही बता सकता हूँ, खुलासा तो रिवील तो मैं नहीं करूँगा। टाइटल तो मुझे मालूम चले, आपको मालूम चले गया टाइटल का नाम क्या, टाइटल क्या है, टाइटल है बाबूजी के चाहे दुल्हनिया। अब टाइटल से आप समझ सकते स्टोरी क्या है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैं पूरा रिवील नहीं करूँगा। और ये एक तरह से बाकी सब इंटरव्यू ये बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी पारिवारिक फिल्म है जो सबको पसंद आने वाली है, और विदाउट एनी वल्गर सीन आपको पूरे पिक्चर में कहीं भी कोई एक होते ना अश्लीलता नहीं दिखेगी, और बहुत ही साफ सुथरी पिक्चर बनाने वाले हम, और मोहन सर हो गए जो भी आलोक कुमार बोल रहे हैं इन लोग के साथ, तो लेट्स सी क्या होता है, बट होप फॉर द बेस्ट। सर जैसे कि टाइटल आपने बता दिया कि बाबूजी की चाय दुल्हनिया, मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ कॉमेडी मिक्स तो जरूर होगा सर। आप जब एक बुजुर्ग उससे अगर प्यार लव करेगा तो उसमें कॉमेडी पन आएगा, क्या पता बुजुर्ग बहू भी ढूंढ रहा हो। क्या पता बुजुर्ग बहू ढूंढ रहा हो अपने बेटे के लिए, बहू तो ढूंढ सकता है, बोल रहा मेरे बेटे को दुल्हनिया चाहिए, बुजुर्ग क्यों अपने लिए दुल्हनिया ढूंढेगा, तो मैं भी रिवील नहीं करूंगा, बस आप समझ लीजिए टाइटल। हाँ, ये भी जानना चाहेंगे दुल्हनिया कौन किसे बना रहे हैं आप? दुल्हनिया जो आप कहने का मतलब, जो मैं नाम रिवील करें कौन है एक्ट्रेस ही? सर अभी मैं बोल रहा प्रोसेस में चल रही चीज़ जी, अभी चल 2-3 नाम फाइनल हुए हैं, बस किसी के पास डेट है किसी के पास डेट नहीं है। तो जी सर आपके ऊपर तो पूरी जिम्मेदारी रहेगी, क्या कुछ बताएंगे इस बारे में? अभी इन्होंने तो काफ़ी कुछ बता दिया है पूरी फिल्म के बारे में, गाने के बारे में, और फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है और फैमिली ड्रामा भरपूर है, ऐसे बहुत से भोजपुरी फिल्में आती हैं जिसमें कि लोग देखते हैं कि बर्गर गाने और आइटम ये वो, लेकिन इसमें कोई भी बर्गर नहीं है, पूरी फैमिली घर में बैठ के साथ में देख सकती है, थिएटर में देख सकती है, कोई वो नहीं होगा। और प्लस आज सबसे बड़ी बात ये हुई कि मोहन जी ने जो गाना गाया है बहुत ही खूबसूरत, मतलब मैं सुनते सुनते पूरे गाने को विजुलाइज कर रहा था, मुझे लग रहा था कि जैसा मैं सोचा है उससे और भी अच्छा इन्होंने कर दिया है, विजुलाइज करने में बहुत अच्छा लगेगा। और रही भोजपुरी फिल्मों की बात, अगर हम सब मेहनत करें, जैसे अभी साफ़ सुथरे गाने गाते हैं हम लोग करते हैं, लोग साफ़ सुथरी अच्छी फिल्म बनाएं, और एक तो ऑब्वियसली भोजपुरी का दौर अच्छा आ सकता है, जो बीच में थोड़ा ठंडा हो गया था, लोग नहीं देखने आ रहे थे, मैं चाहता हूँ कि लोग वापस से थिएटर में आएँ और अच्छी अच्छी भोजपुरी फिल्में देखें, और भोजपुरी का मार्केट अच्छा बने। थोड़ा सा मैं और आपसे रिएक्शन चाहूँगा, जैसे कि भोजपुरी इस 1 साल में तो मैं देख रहा हूँ कि भोजपुरी की बहुत अच्छी अच्छी पारिवारिक फिल्म आई है, थिएटरों पे लगी है, मल्टीप्लेक्स में भी नहीं देखा है कि वहाँ भी लगी हुई है, और आप क्या उम्मीद करते हैं इस ये फिल्म भी मल्टीप्लेक्स तक जाएगी?
बिल्कुल जानी चाहिए, जब मराठी जा सकती है आपकी साउथ इंडस्ट्री की जा सकती हैं फिल्में लगती हैं चलती हैं, तो हम लोग अपनी इस इंडस्ट्री को नहीं अच्छे से बना सकते। अगर हम लोग कोशिश करें सब लोग मिलकर अच्छी फिल्में बनाएं, सिर्फ इसलिए नहीं कि चलो भाई बना दिया और अपनों को सेटेलाइट भेज दिया कर दिया, नहीं, हम कोशिश ये कर बनाएं कि हम फिल्मों को थिएटर पर ले जाएँ, लोग देखें आए, तो क्यों नहीं हो सकता। सर आप प्रोड्यूसर, आपसे ये जानना चाहेंगे इस फिल्म से आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या सेंस में, मतलब उम्मीद तो अगर आप एक पिक्चर ये फिल्म बना के भोजपुरी दर्शकों को अच्छा कंटेंट परोस दे रहे हैं या एंटरटेनमेंट दे रहे हैं या एक नई दिशा लेके जा रहे हैं? सी आप कोई फिल्म में सभी लोग बनाते हैं, सभी लोग अपनी अपने अपने लेवल मेहनत भी करते हैं, कोई पिक्चर छोटी बजट की होती है, कोई पिक्चर बड़ी बजट की होती है। हम जो मेहनत करते हैं ना, मैं पहले ही बोला जो हमारी स्टोरी है वो पूरी पारिवारिक है सर, पूरी पारिवारिक मतलब कि पूरी फैमिली, बूढ़ा बच्चा माँ बेटी बहू, एक परिवार में जितने भी लोग होते हैं वो बैठ के एक साथ एक जगह पिक्चर देख सकते हैं, वो थिएटर में देखें, वो टेलीविज़न पे देखें और इन्जॉय करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग अच्छी कंटेंट लेकर आ रहे हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा मैसेज छिपा हुआ है पिक्चर में, तो ज़रूर देखिए। मैं तो सबसे उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जाके देखें, थिएटर में भी लगने वाली है तो थिएटर में जाके देखें। आपसे जानना चाहेंगे कि आज कौन सा ट्रैक सॉन्ग यहाँ शूट हुआ और किस गायक ने गाया? सबसे पहले हमारे श्रोतागण लोग को हमारा नमस्कार है, हम संगीतकार सावन कुमार। आज हम लोग फिल्म भोजपुरी फिल्म बाबूजी के चाहे दुल्हनिया, इस फिल्म का हम लोग टाइटल सॉन्ग किए हैं मोहन राठौर जी की आवाज़ में। टाइटल सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग है और पूरी कॉमेडी फिल्म है और मज़ा आया गाना हम लोग सुने बनाए। बाकी तो हमने तो काम किया है तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बहुत अच्छा रिएक्शन था सबका, मज़ा आया। और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ए धीरेन्द्र जी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने वो लोग हमको इस काबिल समझे कि हम मैंने ये काम कर सकते हैं और किया हमने। और प्रोड्यूसर कौन कौन से सर, डायरेक्टर आपने बताया, प्रोड्यूसर कौन कौन? प्रोड्यूसर हैं रामकिशन जी, रामकिशन डाकू जी और सूर्य प्रताप सिंह जी, है ना। और डायरेक्टर ए धीरेन्द्र जी हैं। YRS फिल्म और रंजना फिल्म्स का मिली जुली सरकार में ये फिल्म बन रही है और अच्छी जाएगी, हम भगवान से कामना कर रहे हैं। संगीत के अलावा और क्या क्या सहयोग इस फिल्म में आप कर रहे हैं? इसके अलावा क्या सहयोग दे रहे हैं? संगीत के अलावा हम क्या सहयोग दे रहे हैं, तारीफ करेंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का, फिल्म का पब्लिसिटी करेंगे, आज तो पहले ही इस पे पोस्टर शेयर मारेंगे फेसबुक पे। कुछ रोल अदा करेंगे नहीं उसमें? नहीं नहीं, हम एक्टिंग नहीं करते हैं, हम केवल संगीतकार हैं और वही बजाते गाते रहते हैं, चल रहा है। संगीत ही सर पिक्चर को हिट कर देती है। हाँ ये तो है, तो संगीत को दिल से हम लोग बजा रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, काफ़ी मजा आया स्टूडियो में, सारे स्टूडियो में हम लोग आए। जी मैम आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे और इस फिल्म में किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं? सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगी जिनकी वजह से लोग हमको जानते हैं। उसके बाद इस फिल्म में मेरा करेक्टर एक कॉमेडी करेक्टर है जो सभी को बहुत पसंद आएगा। फिल्म का नाम है बाबूजी के चाहे दुल्हनिया। इसके डायरेक्टर हैं धीरेन्द्र जी और इसके प्रोड्यूसर हैं सूर्य प्रताप सिंह और डाकू राम किशन जी। जानना चाहूँगा ये फिल्म का नाम क्या है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, आपको क्या रोल दिया गया सर इसके अंदर? पहले सभी दर्शकों को प्रणाम और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए और हमसे पूछताछ कर रहे हैं। श्रावण का पहला सोमवार है और हम लोगों ने यहाँ गाना रिकॉर्ड किया, तो समझिए महादेव जी का तो आशीर्वाद मिल ही गया इस फिल्म को। डायरेक्टर हमारे धीरेन्द्र सर हैं, इनसे अब समझिए हम इनके नाम से तो हम लोग 5 साल से जुड़े हुए हैं। डाकू राम किशन जी हमेशा चर्चा करते रहते हैं इनके बारे में, डाकू राम किशन जी के साथ हमने काफ़ी फिल्म की है, मतलब दो फिल्म तो कर चुके हैं, तीसरी हैट्रिक, ये तीसरी है। सूर्या मेरा समझिए पाँच साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और डाकू राम किशन जी प्रोड्यूस कर रहे हैं इस फिल्म को। ये मेरा छोटा भाई है और हमेशा छोटा भाई मतलब एकदम मतलब गॉड ब्लेस यू और अच्छा करेंगे हम लोग। सर आपके साथ पहली बार काम कर रहे हैं लेकिन बहुत तारीफ सुना है आपके बारे में, डाकू जी हमेशा बोलते हैं और मैं इनको डाकू जी ही बोलता हूँ, मतलब डाकू राम किशन जी, इन्होंने एक फिल्म की थी डाकू राम किशन और इस फिल्म का नाम है बाबू जी के चाहे दुल्हनिया। तो इस टाइटल से ही पता चलता है कि क्या ये इस फिल्म में आपको देखने मिलेगा। जो पहले चलता आ रहा था काफ़ी सालों से भोजपुरी फिल्म में हुअरपन और वल्गरिटी गाने वाने ये सब वो सब, तो आप टाइटल ही सुन के ये समझ जाएंगे कि इस फिल्म में क्या हो सकता है, ओनली कॉमेडी, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो ये फिल्म ऐसा ही है कि कॉमेडी के साथ आपको मैसेज मिलेंगे, सोशल इशू भी इसमें हमने टच किया हल्का सा,
तो मैसेज भी आपको मिलेगा और मैं भी एक अहम भूमिका में हूँ इस फिल्म में। बाकी आप लोग देखेंगे, अपना प्यार दीजिए और क्या। सर टाइटल तो जैसे आपने बताया और टाइटल मतलब सुन के मुझे लग रहा है कि ये कॉमेडी तो है ही, और ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ इस ऐसी फिल्म बन जब होती है कुछ जिससे आपका टाइटल बहुत अलग टाइटल है, यूनिक टाइटल है, तो इसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है? नहीं, जब देखिए एज एन एक्टर अगर हम बात करें, आपको कोई कैरेक्टर बता दिया जाए तो आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि उस फिल्म को देखा, इस फिल्म को देखा, हिंदी फिल्म है, साउथ की फिल्में हैं, इंग्लिश फिल्म है, भोजपुरी फिल्म है, तो सारे फिल्म देख के आप अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रेट करते हैं कि चलो ऐसा इसने किया है तो अपन क्या और अच्छा कर सकते हैं। ये उससे करना नहीं है, वही कैरेक्टर को नहीं करना है, बट उन्होंने ऐसा किया था, इस टाइप का कैरेक्टर था, वो इस टाइप का था, तो उससे और इन्हांस करना है, बिकॉज ऑडियंस ने देख चुके हैं कि वो ऐसा किया ऐसा किया, तो उससे हमको ये होता है कि चलो और बेटर क्या हो सकता है। और टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया है, लोगों को अवेयरनेस इतना ज़्यादा हो गया है, तो वो लोग भी देख चुके होते हैं, ऑडियंस भी देख चुकी है कि वो साउथ में कैसा चला है, या इंग्लिश फिल्म कैसी चली है, या हमारी भोजपुरी फिल्म कैसी चली है, हिंदी फिल्म कैसी चली है, तो हम भी वही देख के और उसी से बोलते ना प्रेरणा लेना या उससे इन्हांस करते हैं बस, तो फिर उसको माइंड एक सेट करते हैं और अपना अपना हर कोई हर एक्टर जो है ना, मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए, उस कैरेक्टर को 10 एक्टर अगर परफॉर्म करेंगे तो हर कोई अलग अलग ही करेगा। अरे सर ये जानना चाहेंगे कि फिल्म में 7 गाने हैं और आप कुछ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से आपकी बात हुई, आपके ऊपर कितने गाने फिल्म आने वाले हैं? अब ये तो जब पिक्चराइजेशन होगी, फिल्म बनेगी, तब आप लोगों को पता चलेगा ही क्या मेरे हिस्से क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है, बट ये फिल्म ओवरऑल ऑडियंस के लिए इंटरटेनिंग होगी, ये गारंटी है।